अस्सलाम वालेकुम। तो हमने पहली क्लास में सीखा कि पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह बनाया जाता है। अब हम सीखेंगे कि फोटो को कलर करेक्शन सीसी किस तरह किया जाता है और कलर फोटो को ब्लैक एंड वाइट किस तरह किया जाता है। तो देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास टू। ओके, फाइल हो जाएगी ओपन। ये फोटो, ये दूसरा फोटो लेता हुआ है। अब ये फोटो को अब कलर करेक्शन करते हैं किस तरह करते हैं वो बता दो। तो अब प्रेस करेंगे कंट्रोल एल। तो इस तरह का वीडियो आएगा, इससे आप राइट थोड़ा से ब्राइटनेस और कलर कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। और अगर आपको फोटो ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और यू दबाने, कंट्रोल शिफ्ट यू, तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। और वापस से कलर करना है कंट्रोल जेड। ओके, अब इस फोटो को मुझे पासपोर्ट साइज फोटो नहीं बनाना है, मुझे 4x6 की साइज बनाना है जो आमतौर पर चलती है। तो फाइल में जाएंगे, न्यू या 4x6। ओके, अब इधर आगे आप पर इस फोटो को ट्रैक एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, ये बन गया 4x6। अब इस साइज को हमें 12x8 में बिठाना है। पहले भी जाएंगे न्यू आर वाला। इसको बॉर्डर लगाएंगे या इधर जाके इस तक दे सकते हैं। इस तक ठीक है, चाह का इस तक दे दो। ओके, तो ये देखिए इस तक लग गया, पहले खड़ा कर ये आ गया, इसको बोलते हैं इस तक। Thank you.
इसे पता चलता है कि 4x3 की साइज का फोटो आठ बारह पर हम चार बिठा सकते हैं। ओके, प्रोसेस जो था मैंने वही किया। तो आज की क्लास इतनी, थैंक यू।